हामी यहाँ प्रोफेसनल युनिभर्सिटी जो मेट्रोको छेउमा स्थित छ है, र हामी यहाँ आज आउनुको कारण यहाँका केही स्टुडेन्टहरूले यहाँ के प्रोटेस्ट चलाइरहेको थियो कि उनीहरूको जो पनि फार्मास्युटिकल डिपार्टमेन्टको स्टुडेन्टहरू छ उनीहरूको लागि कलेजले केही पनि फेसिलिटी राम्रो दिएको छैन र उनीहरूकोमा केही इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छैन, त्यस कारणले गर्दा क्लासेसहरू पनि नचलेको राम्ररी नचलेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। र यो प्रोटेस्ट अहिले फिलहालमा भने समाप्त भइसकेको छ र यहाँका भाइस चान्सलरले रिटर्न असोरेन्समा यो लेख्नु भएको छ कि 26 जुलाईदेखि नयाँ बिल्डिङ जो तादुङमा छ उहाँहरूले क्लासेसहरू स्टार्ट गर्ने भएको छ। र हामीले यहाँका भाइस चान्सलरसँग केही कुराकानी पनि गरेका छौँ र यहाँ साथसाथै स्टुडेन्टहरूसँग पनि हामीले कुरा जान्ने कोसिस गरेका छौँ र हेर्नुहोस् यो भिडियो। यहाँ कलेजमा पढेको 2 साल लगभग हुन आँटिसक्यो, अहिलेसम्म हामीलाई न त राम्रोसँग एउटा क्लास छ न त एउटा फिक्स क्याम्पस छ, क्याम्पस त छोडिदिनुहोस् अब हामी फार्मेसी डिपार्टमेन्टबाट हो, अब त्यसमा त हामीले अब प्र्याक्टिकल मेन हो नि त, हाम्रो प्र्याक्टिकलको नाममा न त ल्याबमा इक्विपमेन्टहरू राम्रो छ न त केमिकल्स राम्रो छ, अब हामीले फर्स्ट इयरमा देख्नु फर्स्ट इयरमा हामीले अब केमिकलहरू माग्नु अरूको कलेजमा जान्थ्यो, अब आफै किनेर अब यत्रो पैसा इयरको 1 लाख तिरेर काम नहीं कर रहे हो सकती हैं, पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स का ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट दोनों का ज़्यादा जरूरी है। वो भी नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टूडेंट भी नहीं होते हैं, कई बार आते नहीं, कई बार इससे अच्छा फैकल्टी भी नहीं कराती है, पर अब मेरी मॉनिटरिंग ज़्यादा लगेगी जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए। सर कॉलेज ये जो कॉलेज है ये ओपन हुए हुए कितना वर्ष हो गए ना, तो अभी लाइक यू सेड 50% ऑफ द कॉलेज इक्विपमेंट्स आर देयर, सो व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस कॉलेज हैजंट लाइक प्रोक्योर्ड द इक्विपमेंट्स फॉर सो लॉन्ग व्हाटएवर वाज नीडेड फॉर द लैब। सी अल्टीमेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस्ड है, सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट की फीस से ही है, जो मिलता है उसी का खर्चा किया जा सकता है, अलग से ट्रस्ट थोड़े बहुत फंड देती है पर लार्जली तो फंड स्टूडेंट के यूज होते हैं। अब लार्जली वो फंड सबसे पहले तो फैकल्टी एंड स्टाफ की सैलरी में जाते हैं। सर इसी में द स्टूडेंट्स वर सेइंग कि फीस बहुत ही ज्यादा है कॉलेज का, पर फिर भी जितना वो लोग पे करे उतना ज्यादा उन लोगों को, मतलब जितना वो लोग पे करे उसके रिटर्न में उतना उसके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज नहीं है, लैब नहीं है, उसके जैसा पढ़ाई नहीं है, उस लेवल का पढ़ाई नहीं है जितना वो लोग पे करे, तो हाउ डू यू सी दिस। देखिए यहाँ का फार्मेसी कॉलेज अगर हम जज करें किसी भी चीज को कि अच्छा है या खराब है, इसका डिप्लोमा फार्मेसी पहले बार में 10 दिन में बढ़ जाता है, इसका मतलब यह है कि मेरे यहाँ क्लास तो होती है, नहीं तो कोई पढ़ने क्यों आएगा, मेरे यहाँ डिप्लोमा फार्मेसी 10 दिन में ही बढ़ जाता है, मेरा GNM प्रोग्राम 10 दिन में बढ़ जाता है, जितनी सीटें मेरी गोदान की सारी सीटें GNM की बन गई, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, यहाँ का GNM यहाँ चलता है, शायद स्टेट का गैंगटॉक का नंबर 1 कॉलेज है, यहाँ पे सीट नहीं मिलती है। सर लेकिन स्टूडेंट का ये भी कहना है कि उन लोगों का प्रैक्टिकल जो है ना प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, और किसी भी केमिकल जो भी चाहिए होता है वो भी नहीं है। वो बात कुछ हद तक सही होगी क्योंकि फंड्स के रिक्वायरमेंट रहता है, और केमिकल ग्लास और फार्मेसी का काफी एक्सपेंसिव लेवल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप HPLC खरीदें तो 50 लाख की आएगी, स्टूडेंट्स को लग सकता है कि हम 1 लाख फीस दे रहे हैं पर 50 लाख का एक इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, इम्पोर्टेड आइटम होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छे क्वालिटी की चीज़ें, वो ठीक है मेरे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, पर कहीं ना कहीं फैकल्टी की गलती है कि जो है उसको भी यूज नहीं कर, मतलब आपका कहना है कि फैकल्टी ने अच्छी तरह से काम नहीं किया, तो और अच्छा करना चाहिए था, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ध्यान रखना चाहिए, पर आपको ये भी कह दूं इंजेनिटी अच्छी रिसर्च अच्छा करना चाहिए था उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ध्यान रखना चाहिए पर आपको ये भी कह दूं इंजेनिटी अच्छी रिसर्च अच्छा काम करने के लिए बहुत सारी चीजें इंजेनिटी माइंड में होती है। सर फैकल्टी कैसा काम करे इसकी जिम्मेवारी तो वाइस चांसलर की होती है, आप देखो वाइस चांसलर की पूरी कैंपस की यूनिवर्सिटी पूरे कैंपस की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी एक टीचर होने की जिम्मेदारी है, मैं टीचर किस लिए बना, टीचर क्यों बना, एक दुकानदार बनना या कुछ और बनना मार्केटिंग अलग बात है, और टीचर बनना तो समाज को कुछ देने वाली बात है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील
करने वाली बात है। मैं रोजाना उनकी क्लास में जाकर मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। एज ए टीचर, एज ए वाइस चांसलर, आई कैन नॉट शाउट एट देम बिकॉज डिसेंसी के बियॉन्ड है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। मैं उनको वंस इन ए व्हाइल मीटिंग लेके कहता हूँ, अटेंडेंस दिखाइए, क्लासरूम दिखाइए, कितनी क्लास ले ली, कोर्स कंप्लीशन हुआ कि नहीं। मैं तो इसी तरीके से जा सकता क्या आपने ये किया कि नहीं, पर इंडिविजुअली मैं किसी को किसी बात के लिए इंसल्टिव नहीं हो सकता। सो यू थिंक द टीचर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस इश्यू? एम आई अलोन रिस्पांसिबल? एम आई अलोन द यूनिवर्सिटी? सो लेकिन स्टूडेंट का कहना है, एम आई अलोन द यूनिवर्सिटी? ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। आप अखबार निकालते हैं, न्यूज़पेपर में जाते हैं, वहां 50 लोग काम करते हैं। आप मेरा इंटरव्यू लेकर जा रहे हैं, उसको कोई एडिट करेगा, कोई उसे डालेगा, कोई एयर पे लाएगा, तो काम तो सबको करना पड़ेगा। इट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड मैन पावर। अगर आप सोचें मैं अगर सारा ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है अकेले, तो बाकी उनकी किसी की जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि चांदमारी से कब शिफ्ट किया गया सर फार्मेसी को? नहीं, चांदमारी को 3 महीने नोटिस के बाद मई में शिफ्ट होना था। हाँ जी, मैं रेडी हूँ, मेरी बिल्डिंग रेडी है। हाँ जी, ठीक है, वहां से सामान शिफ्ट करने में कुछ प्रॉब्लम। अभी क्लासेस शुरू है, कितने हो गए, महीने हो गए? क्लासेस रेगुलरली चल रही थी। अभी वो बोल रहे थे 40 दिन का लीव दिया। वो तो ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पे स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती, पर आप जाके अकाउंट चेक कर लीजिए, मई तक की सैलरी पेड है। नहीं, 1 मिनट, जून, मैं उनको कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहता, पर जून की सैलरी नहीं पेड है, तो 1 महीने का, अच्छा 18 तारीख है, मई तक की तो पेड है, तो 3 महीने की तो सही बात नहीं ना सैलरी। उसमें आपका जो स्टाफ है उन लोगों ने बुलाया, हमारे पास वीडियो भी है। इफ यू वांट द वीडियो, सर, इफ यू बिलीव मी, गो एंड चेक विद द अकाउंट्स। हो गया, चेक विद द अकाउंट्स भाइस चान्सलरले रिटर्न अस्योरेन्स त दिनुभएको छ है, र तर काम हुन्छ कि हुँदैन, हामी यसको रिजल्ट हामी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको माझमा लिएर आनेछौँ। हेर्नुहोस् सिक्किम न्युज, मनिता तामाङ, गान्तोक रिपोर्ट। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड, सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।